आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल है और अपराध के तौर तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का प्रयास है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना है और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्ण ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मामले में अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और एजेंसी के पास ये दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि सीबीआई द्वारा बताए गए आंकड़े सिर्फ कागज पर हैं और पैसों का कहीं कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम होने का आरोप भी पूरी तरह से गलत है। अदालत ने सिसोदिया पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। उक्त तारीख पर सीबीआई अपनी जिरह पेश करेगी। साथ ही अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो बताएं कि आबकारी नीति कैसे संचालित होती है। साथ ही कहा कि एजेंसी अपने जांच अधिकारियों को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।